चक्कर आने शुरू हो गए हैं। तो अभी मैंने जो रास्ते से जाना था उससे ना जाके मैं दूसरे रास्ते से जाऊंगा, जहाँ पूजा कहीं आई हुई है बीच में कुछ लेने के लिए, उसे पिक करता हुआ अब घर जाएंगे। तो जो घर जाके मिलना था अब यहीं पे मिलेंगे और यहीं से पिक करते उसको घर लेके जाएंगे। देखो भैया प्लान जैसे चेंज होते रहते हैं, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं जल्दी से। अब ये वाले रास्ते से मैंने बहुत ही कम ट्रैवल किया, एक तो मैं शादी के टाइम आया था और एक बार शायद उसके बाद आया हूँ। जनरली हमें दूसरे रास्ते से ट्रैवल करते हैं जो कि ऐसे पूरा नदी के साथ साथ, ब्यास नदी के साथ साथ चलता है। ये रास्ते का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो थोड़ा पूछ पूछ के जाना पड़ेगा। प्लस ये रास्ता जो है छोटे छोटे गाँव में से निकल के होता है और कच्चा पक्का भी है, तो इधर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। वो थोड़ा लंबा है इससे किलोमीटर्स में, बट उसमें टाइम कम लगता है क्योंकि उसमें ट्रैफिक कम है और गाँव वगैरह बीच में ज़्यादा नहीं आते। यहाँ से किलोमीटर वाइज कम है पर सड़कें टूटी हुई हैं, गांव बीच में आ जाते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है। चलो एनीवेज अभी जो एक घंटे में पहुंचना था वो प्रॉब्ली डेढ़ में पहुंच जाएंगे। चलो देखते हैं। पहुंच गया हूं मैं, यहीं कहीं है पूजा। यहाँ कहाँ एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता पर यहीं कहीं होगी, मैं फोन करके पूछता हूँ अगर नहीं गए हैं तो। हेलो जी, हेलो, बोलो बोलो। हेलो, चुप क्यों रही हो, चुप क्यों रही हो? नहीं बोलना है क्यों? बोलो हेलो। हाय गाइस, आ गई है फाइनली। तो अभी हम घर जाते हैं, फिर मिलेंगे। फाइनली आफ्टर लॉन्ग जर्नी ऑफ 6 आवर्स आई एम होम। थक गया हूँ मैं बहुत ज़्यादा, पहले खाना खाएंगे फिर रेस्ट करेंगे। आई नो प्रेशा से मिलने की आपको भी बहुत एक्साइटमेंट है, पर अभी वो सो रही है, अभी आधे एक घंटे में उठ जाएगी। जैसे ही उठेगी पहले उससे वीडियो कॉल पे बात करेंगे और फिर एकदम से उसके सामने जाएंगे। ये देखो इसकी डॉल जो उसको भी लेके दी थी, कितनी क्यूट है, अपनी क्यूटी पाई भी सो रही है, गल घूम रहा है। ओ कितनी पास में, अभी यहीं आए थे, दाल चावल खाने आते हैं। बताओ देखो कितने सारे हैं, हिमाचली गिद्ध जो दाल चावल खाते हैं। देखो मांस नहीं, वेजिटेरियन है। ओह ये बिल्कुल अभी पास में आया था, इतना बड़ा है। फिर आएंगे तो देखते हैं अगर कैप्चर कर पाए तो। यहाँ पे आते ही जो शांति का एहसास होता है ना, ची ची पैं पैं के बजाय चिड़ियों की ची ची चू चू, मतलब अलग ही एक फील है जो कि सिर्फ आपको हिमाचल में आके मिल सकता है। रुको दिखाता हूँ, व्यू दिखाता हूँ मेरे सामने, वेट करो। ये व्यू है मेरी आंखों के सामने, बताओ है इसका कोई मुकाबला? वही बादल हैं जो दूर से हमें दिख रहे थे, तो बिल्कुल मेरी आंखों के सामने है। पिछू उठ गया, तो पहले हम वीडियो कॉल पे बात करेंगे फिर उसके पास मैं जाऊंगा सामने। रुको, अरे वीडियो कॉल करी। पीजी पापा, पीजू पीजी पुत्तो पीछा, ये देखो पीछी कौन आया? बाय कर दो पापा। Bye. कौन आया? बाय। कौन आया पिछू? पिछी बोलो, पिछी बोलो मम्मा, पिछी मम्मा, पिछू बोलो पापा। सो के उठी है, हाँ आएगी पिछी। चल जाओ घूमी करके, आ जा। हाँ नीचे तो आओ। पिशु पापा, अच्छा अच्छा चॉकलेट लेता हूँ, रुक जा। चॉकलेट कहाँ गई इसकी? चॉकलेट हो रही, चॉकलेट
चॉकलेट दे दो, नहीं हटा लो, हटा लो, हो गया ते जाओ परे ना दो। अच्छा ले ए ले 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 पुत्तू ए लो, थैंक यू बोल दे, पापा को थैंक यू बोलेगा, थैंक यू पापा चॉकलेट के लिए। आ जाओ आजो 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 पीछे आजो आजो, और कूट के जब भी वाली आजो आजो मेरा बेबी आजा आजा आजो आजा मेरा पुत्तू पीछे आजो। भूल गया पापा को? यस भूल गया पापा को, भूल गया मेरा पुत्तू पीछे आ जाओ। बोल नो पापा नो, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। पीछे आ जाओ आ जाओ। फाइनली मेरा पुत्तू मेरे पास आ गया। अभी कंफर्टेबल नहीं हुआ पर आ गई है चॉकलेट के चक्कर में, पर अभी भी कंफर्टेबल नहीं है। इसको आके पता नहीं किसने उठा लिया है ना। हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो। माँ चला के मैगी ना खाई तो क्या आ गया, मैगी और साथ में गरम गरम चाय। ये हमारी चाय, मेरी पूजा की और प्रिशा की। प्रिशा भी चाय पीते हो, साथ में रश भी खाता, मैगी भी खाएगा। पिशु पिशु मैगी खाएगा, देखना कैसे खाती, खाएगा। फाइनली फिर रशा मुझे पहचानने लग गई है, मेरे पास भी आ रही है। थोड़ी देर 15-20 मिनट उसने किया ऐसे कि कौन कौन, और उसके बाद आ भी रही है, जब भी पा रही है, सब कुछ कर रही है। हाँ कितने दिनों से इस पल का इंतज़ार था कि कब मैं उसको आगे जब भी पाऊँ और प्यार करूँ। ऐसा लग रहा है कि 2 महीने में पता नहीं कितनी बड़ी होगी है। तो अभी थोड़ा सा मैं रेस्ट कर रहा हूँ, ये लोग आग सेकने गए हैं। हाँ थक गया मैं बहुत आज, आपको पता ही है कितना ट्रैवल किया। तो अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, फिर रेस्ट खाना हमने खा लिया, पेशों की मस्तियाँ चल रही हैं। फोन मांग रही है, फोन तू करेगा व्लॉग, पहले तू व्लॉग कर ले, व्लॉग करेगा। ये देखो इसकी रात की मस्तियां। पीछी कहाँ कर रहे हो? ये करना जरूरी है, ये देखो इधर नहीं आना, ये नहीं मिलना आपको, ये नहीं मिलना। फोन चाहिए इसको, फोन मॉडर्न बच्चा। यस्टरडे नाइट वाज सो हैवी के प्रेशर के साथ खेलते खेलते मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला, थक गया था पूरे सफ़र में। तो इफ़ यू एंजॉयड द व्लॉग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और आपको मिलेंगे हम कल एक और नए दिन एक और नए व्लॉग के साथ। बाय। हेलो गाइस, स्वागत है एक और नए दिन एक और नए व्लॉग में। ये चीज़ मैं सबसे ज़्यादा मिस कर रहा था, ये वाली चीज़, मेरा पुत्र पुत्री पुत्री। तो अभी हम दोनों नहा के रेडी हैं और हम लगे हैं धूप सेकने। आज हमारा सिर्फ रेस्ट डे है, कल हम जाएंगे कहीं घूमने। चलो फिलहाल रेस्ट करते हैं। लंच हो गया डन, प्रेशर है ये खेल। ओह क्या ही क्लैरिटी आती है, आप तो नॉर्मल फ़ोन भी ऐसा लगता है जैसे HD अल्ट्रा HD हो गया। तो अभी हम जाएंगे मार्केट आइसक्रीम लेने, क्योंकि मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है। ठंड में आ गए, हिमाचल में आ गए, आइसक्रीम का मन कर ही जाता है। तो जाएंगे मार्केट और दिखाता हूँ, और शॉर्ट्स भी शूट करनी है पूजा के साथ, तो वो भी है। ये देखो सामने धौलाधार की पहाड़ियाँ, कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है, इसी की वजह से ठंड है सारी नीचे पंजाब दिल्ली तक। पीछे क्रिकेट का टूर्नामेंट चल रहा है, वापस भी दिखाता हूँ। ये देखो वाह, ये हमारे घर से भी दिखती हैं पर इतनी क्लियर नहीं दिखती। ओह ये नदी जिसमें बारिशों में पानी आता है, बरसातों में। और ये सामने धौलाधार की पहाड़ियाँ, और पीछे चल रहा है क्रिकेट का टूर्नामेंट। सोचो क्या व्यू में क्रिकेट चल रहा है। यहाँ तो रैंडम दुकानों से भी व्यूज़ ऐसे हैं कि बस बड़े बड़े हिल स्टेशन फेल हो जाए। वो सामने ब्यास नदी है हमारे घर से निकल, और यहाँ कई धौलाधार की पहाड़ियाँ होंगी जो अभी दिख रही थी, पर क्योंकि फॉग हो गया उधर ऊपर अभी दिखनी बंद हो गई। और ये हम वाला आजकल पता नहीं शाय हो गई है ये ना अपना, उससे व्लॉग से इतने दिन हो गए। देखो ये सारे खेत ही खेत हैं यहाँ पे,
पहले किसी टाइम पे यहाँ सारी खेती होती थी, अब वो उस तरफ हो रही है। ये जो आप देख रहे हो ये थोड़ी सी खेती बची है यहाँ पे, बाकी इस साइड कोई खेती नहीं करता क्योंकि इस साइड जो है लोग माइग्रेट कर गए हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन है वो माइग्रेट कर गई है। ये अपना पीछी लोग माइग्रेट कर गए हैं, बच्चे और पुराने लोगों ने खेती खुती छोड़ दी है। बच्चे माइग्रेट करके बाहर निकल गए हैं जॉब्स वगैरह करने के लिए सिटीज़ में, और गाँव की खेती अब कोई नहीं करता। ये साइड वाले लोग फिर भी कुछ कर रहे हैं जिसकी भी ज़मीन है, बट ज़्यादातर जो है लोगों ने यहाँ पे खेती करनी छोड़ दी है। और ये सारा बैरन लैंड है जो किसी टाइम पे उपजाऊ होता था, आजकल ये पूरा खाली है, बैरन है, कुछ नहीं उगाते। जो खेती है वो अपने घरों के गार्डनों तक सीमित रह गई है, जैसे हमने भी अपने गार्डन में थोड़ी सी उगाई हुई है सब्जियाँ, तो ऐसे ही घरों के गार्डनों तक जो है सीमित रह गई है खेती। जो ऐसे पहले पूरा ये पूरा ऐसे लश ग्रीन होता था, हरा भरा, यहाँ पे मकई, सरसों, मतलब हर तरह की सीजनल सब्जी लगाई जाती थी। अब तो इतना ही बचा। पीछे अपने पहाड़ हैं, देखो बिल्कुल पहाड़ों के सेंटर में आते हैं खेत। ये एक साइड, ये दूसरी साइड पहाड़, ये तीसरी साइड पहाड़, और इस साइड रोड है। तो ये तीन साइड पहाड़ों के बीच में खेत है, और उस तरफ आगे जाके है ब्यास नदी। देखा जाए ना यहाँ पे एक वेलनेस रिजॉर्ट बन जाए ना, इतनी खुली जगह ना यहाँ पे, क्या ही बढ़िया रिजॉर्ट बनेगा। अपने देख रहे हो पहाड़, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट के पहाड़ हैं, ठीक है। ये एक डिस्ट्रिक्ट हो गया कांगड़ा, और ये जो देख रहे हो ये धर्मशाला के यानी कि कांगड़ा के पहाड़ जो हम उधर से देख रहे थे दौलाधार वाले, ये इस तरफ भी हैं। वो देखो पीछे देख रहे हो, बिल्कुल वाइट कलर की चादर बिछी हुई है स्नो की, और ये इधर भी हैं, ठीक है। और इस तरफ आ जाता है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, ये आ गया कांगड़ा सारा, और ये आ गया इधर मंडी। तो एक बेसिकली एज है कांगड़ा का, यहाँ पे तीन चार डिस्ट्रिक्ट इकट्ठे मिलते हैं। तो ये व्यू देखो ज़रा, ये व्यू है हमारे घर के आसपास का। ये हम और पास आ गए खेतों के, ऐसे ही इवनिंग वॉक के लिए निकल आते हैं। देखो ये गेहूं की खेती की हुई है, हम पास में आ गए हैं बिल्कुल इनके, और वो सरसों की खेती है। ये सीजनल, हर सीज़न के अकॉर्डिंग लगाते हैं। जब मैं जैसे पिछली गर्मियों में आया था तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, इस बार थोड़ी ज़्यादा इन्होंने बड़ी की हुई है। कितना अच्छा लग रहा है ना ग्रीन ग्रीन, इतना ही प्यारा लग रहा है ऐसे ग्रीन। इन्होंने फेंसिंग की हुई है, नहीं तो जो पशु हैं ये आके इनकी खेती खराब कर देते हैं। ये फेंसिंग, फूड डन, आइसक्रीम चल रही है, डे टू ख़त्म हो रहा है यहीं पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और मिलेंगे आपको कल एक और नए दिन एक और नए ब्लॉग के साथ। ये भी देख लो, रुको रुको देखो, ये देखो मेरी एक्टिंग कर रहे थे दोनों लोग। बोलो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अमूल हैप्पी ट्रीज सिखाओ इंडिया, समझ जाओ।